पूरनपुर सीएचसी में प्रति पाड़े पत्नी संजीव कुमार पांडे निवासी मोहल्ला कायस्थान पूरनपुर की डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे भर्ती कराया गया। उस महिला को लगभग 4 बजे पुत्र हुआ। बच्चे के जन्म होने पर उसे टीका लगाया गया और उसकी देखभाल नहीं की गई। यहां की नर्स स्टाफ मनदीप कौर व नाजिया की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। जब महिला की मां ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। जब इस महिला ने अपने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने को कहा तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। पीड़ित महिला की मां ने खुद ही सूचना पत्र लिख व मृतक बच्चे को लेकर कोतवाली में पहुंची और उसने सीएचसी के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन लोगों ने पता नहीं देखो ना, जब जन्म हुआ तो सबने देखो। जब जन्म हुआ तो बच्चा तो चीख चिल्ला रहा था। हाँ। बहुत ज्यादा नहीं रोया, हल्का रोया। अच्छा, तो उसके बाद दोबारा में आके उन्होंने नहीं देखा बच्चे को? दोबारा हम वहीं रहे जच्चा के पास और बच्चा नानी के पास। अच्छा, तो उन्होंने मैडम ने नहीं देखा आके? नहीं। मतलब लापरवाही दिखाई गई हॉस्पिटल की तरफ से। क्यों कुछ नहीं, अच्छा का जन्म हुआ क्या, तू रो रहा था तो तेजी समझे कह दिया कि आप बाहर खड़ी हो जाओ। हमने क्यों कि तुम्हारी लड़की रोएगी, अभी बच्चा जन्म हो गया तो ठंडी कर आप बाहर जाइए। उसके बाद फिर जैसा लग गया, इतनी तेज रोया कि तेज रोया, हम बाहर खड़े बाहर आवा चौकी से। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं, जिसको नहलवाया धुलाया उसको, पता नहीं क्या करा, फिर बाहर बीस मिनट बाद हमको दे दिया बाहर। आपको जीवित दिया था मरा हुआ दिया था? अरे ऐसे लपटे दे दिया, कहीं सड़क लग देखो, हमने कहीं रो नहीं रहा तो कहीं रो इसलिए नहीं रहा कि देखो बच्चा पैदाइश होती है बच्चे की तो बच्चा अथक हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसलिए सो रहा है। मतलब जब उन्होंने नहलाया था बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी? नहीं नहीं, रो रहा था। नहला के आपको दिया था तो रो रहा था। इंजेक्शन लगा उसके बाद नहीं रोया। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चा नहीं रोया, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, नीला पड़ चुका था? नहीं नहीं, जब इंजेक्शन लगा इससे पहले रो रहा था, इंजेक्शन लगने के बाद नहीं रोया।